एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर यह ऐतिहासिक टिप्पणी वर्ष 1902 में प्रमंडलीय मुख्यालय छपरा स्थित जिला स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा के बाद देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उत्तर पुस्तिका की जांच के दौरान अंग्रेज परीक्षक ने दिया था। यह वही स्कूल है जहां से स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैट्रिक तक की शिक्षा देने वाला यह जिला स्कूल अपने पदहानि पर आंसू बहा रहा है, जहाँ बुनियादी शिक्षण सुविधाएं भी मयसर नहीं है, जो अपने आप में स्वर्णिम अतीत का बदहाल वर्तमान की कहावत को चरितार्थ कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस विद्यालय के कई भवन शिक्षा विभाग के कब्जे में हैं। हालांकि स्कूल प्रशासन के द्वारा शिक्षा विभाग को कई बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन आज तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हो सका है। कारण चाहे जो भी हो, जिला स्कूल भले ही देश को प्रथम राष्ट्रपति देने वाला विद्यालय रहा है, पर इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी विद्यालय को ख्याति नहीं मिल सकी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उदाहरण मानकर विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ कर छात्रों के बीच एक आदर्श स्थापित किया जा सकता था, पर विभागीय उदासीनता और राजनीतिक प्रपंच ने इस विद्यालय के स्तर को उठने ही नहीं दिया। जिला स्कूल में वैसे तो नए और पुराने मिलाकर लगभग 51 कमरे हैं, पर पठन पाठन के लिए मात्र 13 क्लासरूम ही है। यहाँ के अधिकतर कमरों में विभागीय कार्यालय चलता है। शिक्षा विभाग के पास भवन की कमी होने के कारण विद्यालय में ही जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय, डीपीओ कार्यालय, साक्षरता कार्यालय, कंप्यूटर सेंटर, निगरानी कार्यालय चलते हैं। वहीं अधिकतर समय विद्यालय में शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन होते रहता है, जिस कारण यह महान विद्यालय शिक्षा का केंद्र कम कार्यालय कैंपस ज़्यादा प्रतीत होता है। वहीं विद्यालय परिसर की बात करें तो साफ सफाई नाम मात्र की होती है। इसी कैंपस में एक राजेंद्र वाटिका है जहां आपको सिर्फ जंगल झाड़ ही दिखेंगे। वैसे यहां पठन पाठन कर रहे छात्रों ने कहा कि क्लासरूम में पढ़ाई के समय ज्यादा मच्छर काटने से सभी छात्र काफी परेशान रहते हैं। प्रतिवर्ष की भांति 3 दिसंबर को देश रत्न की जयंती पर विद्यालय प्रशासन द्वारा एक परिचर्चा का आयोजन कर अपनी खाना पूर्ति कर ली जाती है। कारण कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में तत्कालीन सारण जिला वर्तमान में सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था, लेकिन उनकी प्राथमिक व प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा प्रमंडलीय मुख्यालय सारण के इसी जिला स्कूल से शुरू हुआ था। इसी विद्यालय में राजेंद्र बाबू का नामांकन 1893 में 8वें वर्ग में हुआ था। क्या स्थिति आपके विद्यालय की, शिक्षक छात्रों की संख्या में क्या है, अन्य कौन कौन संसाधन है जो मतलब जैसे जिला स्कूल पहले बोला जाता था जिले का गौरव है, अभी क्या स्थिति है? अभी की स्थिति यही है कि इसका भवन का जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। हालांकि हम लोग कुछ हमेशा थोड़ा बहुत काम जो हमारे इसमें है उसको हम करवा रहे हैं। कुल कितने कमरे हैं और कितने कापी लोग यूज कर रहे हैं? कमरे तो टोटल 51 है, लेकिन पठन पाठन के लिए कितना यूज होता है? पठन पाठन के लिए आपको 13 कमरे हैं। शिक्षक कितने हैं, छात्र कितने हैं? छात्र हमारे यहाँ 1283 है और शिक्षक हमारे यहाँ 18 है, जिसमें 5 लोग चले गए बीपीएससी। हाँ, बीपीएससी के थ्रू उन लोग का हो गया है, अलग स्कूल में वो लोग चले गए। तो मात्र 1300 छात्र को कैसे पढ़ाएंगे, क्या समस्या हो गई? इसके बाद होगी बहाली, नियुक्ति होगी अगले फेज में, तो हो सकता है यहाँ भी सीट भर जाए, भरेगा ही सीट। लेकिन और जो कमरे हैं 51 के में आप 1300, इसमें ऑफिस वगैरह चलता है लगातार। इसके लिए तो कई प्रचार में बताया है कि पत्राचार किए हैं, लेकिन अब तक वो खाली नहीं हो पाया है। परेशानी क्या होती है? परेशानी, अब देखिए परेशानी क्या बताया जाए, मतलब कुछ तो होता है दिक्कत रूम वगैरह लेकर हम लोगों को, ठीक है ना। चूंकि ये इसका जो बिल्डिंग है तो पीछे और इस साइड का पूरा जर्जर हो गया है, ठीक है ना। कमरे सब जो है हमारे यहाँ, इन कमरों की स्थिति ठीक नहीं है। तो परेशानी क्या होती है? परेशानी होती है थोड़ा क्लास वगैरह चलाने में थोड़ी होती है परेशानी। क्या मांग करेंगे अगर सरकार से कुछ कहना? हम तो यही मांग करेंगे कि इसकी स्थिति अच्छी हो जाए, क्योंकि ये राजेंद्र बाबू चूंकि यहाँ से पढ़ाई वगैरह किए हैं, ये धरोहर है हम लोगों के लिए,
हम लोगों के लिए सारण जिला के लिए ये धरोहर है और अच्छे से इसका बिल्डिंग वगैरह सब बन जाए तो ये अच्छी बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे स्कूल के छपरा जिला के हमारे स्कूल जिला स्कूल में पढ़ के इतना आगे जा सकते हैं तो हम भी पढ़ के इसी स्कूल में पढ़ के बहुत आगे जा सकते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी स्कूल में पढ़ के भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन सकते हैं तो हम भी तो बहुत आगे जा सकते हैं। इनसे हमें यह सीख मिलता है कि कोई भी मतलब स्थिति हो वहाँ पर सिद्धता से काम लेना चाहिए, डर के काम नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम श्रीराम राय है और मैं कक्षा 9th का छात्र हूँ। मेरा सिर्फ यही है कि मच्छर बहुत ज़्यादा लगता है, मच्छर बहुत ज़्यादा लगता है, मच्छर बहुत ज़्यादा लगता है। और क्या क्या परेशानी है? और तो सब साफ सफाई होता है, क्लासरूम में हम लोग रहता है तो कैंपस में नहीं लेकिन क्लासरूम डेली सुबह में साफ सफाई होता है। यस अच्छा लग रहा है, हमको सीख मिलते हैं उनके जैसा, हम लोगों को भी अच्छा पढ़ना चाहिए और अच्छा पद पर जाना चाहिए। मेरा नाम आयुष कुमार है। जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं हमें बहुत गर्व फील होता है, बहुत ऊँचा मतलब फील होता है कि जिस स्कूल में राजेंद्र सर पढ़े उस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं। हमें अंदर से ऐसा महसूस होता है कि सर जिस स्कूल में पढ़े वैसे हम भी पढ़े हैं, वैसे हम भी नाम कमाएं, जैसे ये राष्ट्रपति देश के बने हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी नाम कमाना चाहिए। बच्चे ये शिक्षा लेते हैं जैसे ये बने वैसे भी हमको कुछ करना चाहिए, कुछ बनना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रिंस कुमार है, मैं कक्षा 9th का छात्र हूँ।